अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के दो शातिर चोर हुए गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी दिनेश कुमार प्रभु के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नवाबाद पुलिस ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 मास्टर चाबी बरामद हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गैंग का पता लगाने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को सूचना मिली कि वाहन चोरों का एक गैंग शहर में रुककर वाहन चोरी की घटनाएं कर रहा है। उपनिरीक्षक परमेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह तक्खर व शिव कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि भारत गैस गोदाम की ओर जाने वाले रास्ते में झाड़ियों के पास करगुआ जी मंदिर पर दो अभियुक्त किसी फिराक में खड़े हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रहलाद परिहार एवं रोहित यादव नामक दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। कड़ी पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वो भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्टर चाबी एवं डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग कर वाहनों को चोरी करते थे। ये गैंग अधिकतर हीरो होंडा HF डीलक्स गाड़ी चोरी करता था, क्योंकि इस गाड़ी के खरीदार ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हैं। वाहन चोरी करके अपना जीवन यापन करते थे। झांसी उत्तर प्रदेश से अतुल वर्मा की ये रिपोर्ट। बाइक चोर गैंग का खुलासा किया, कितने गिरफ्तार हुए, कितनी बाइक बरामद की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा अपराधों अपराधियों के विरुद्ध में, इस क्रम में प्रभारी निरीक्षक नवाबाद द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दो बाइक चोरों के गैंग दो व्यक्तियों के बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है। 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं और इसमें हम लोग और प्रयास कर रहे हैं जानने का कि इन्होंने और कहां कहां से गाड़ियां चोरी की हैं। कॉल डिटेल्स के आधार पर भी जानकारी की जा रही है। एक बड़ा गैंग खड़ा गया है वाहन चोरों का, ये अंतर जनपदीय गैंग है। इसमें कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, इसमें आपको सूचना दी जाएगी। सर, गाड़ी कैसे चोरी करते हैं, कितने भेजा करते हैं? मुख्यतया ये गाड़ी चोरी करने का तरीका यह है कि जैसे व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके किसी सार्वजनिक स्थान पर चला गया और उसकी नज़र हटते ही इन लोगों का इन लोग पास मास्टर की रहती है, उससे ये लोग ताले तोड़ करके गाड़ियां उठा ले जाते हैं। और जो बेचने का जो तरीका है, जो दाम है, वो डिपेंड करता है कि किस मार्केट में बेच रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसमें, क्योंकि इसमें आर्थिक अपराध किया जा रहा है, तो हम लोग गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में बताया कितने रुपए में गाड़ी बेचा करेगी, चौकी अगर तो अभी देखिए विवेचना जारी है और सभी तथ्यों को हम लोग केस डायरी में ला करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आपको भी अवगत कराया जाएगा कि ये लोग जो है किस तरह से अवैध धनार्जन करते थे, गाड़ियाँ बेच करते थे।